इस वक्त बड़ी खबर अंजार से आ रही है, जहां डूब प्रभावित होने खंडवा बरौदा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया, अपनी विभिन्न मांगों के लिए चक्का जाम कर दिया है और कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। सुनील संवाददाता हमारे फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील जी बताएं क्या है पूरी स्थिति अभी। जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अंजड़ में अस्थायी टीन शेड जो बनाए गए हैं, जिनके मकान नहीं बने उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। 310 परिवारों का ये यहाँ पर टीन शेड में रहने की व्यवस्था है। अभी फिलहाल 285 परिवार रह रहे हैं, लेकिन जो बाद में जो परिवार आए उनका यह कहना है कि यहाँ पर खाना ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है और हम कब तक ऐसा खाना खाने के लिए मजबूर रहेंगे। और खाने की मांग को लेकर के और वो 5,80,000 रुपए के पैकेज को दिए जाने के बाद बात कर रहे हैं और उनका प्लाट वगैरह मांगने की मांग आदि मांगों को लेकर के आज उन्होंने चक्का जाम शुरू कर दिया है। क्या बोल रहे हैं पीड़ित लोग, क्या बोल रहे हैं कि किसको बुलाने की मांग पे आ रहे हैं, कब से किया जा रहा है चक्का जाम? ये जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग के लिए आ रहे हैं और वो आए और हमारी समस्या का तुरंत निराकरण करें और प्लाट वगैरह हमें हमारे व्यवस्था हमको मकान की दी। कितने समय से चक्का जाम हो चुका हुआ है ये सुनील जी, और अभी क्या स्थिति है? ये अभी करीब करीब आधे घंटे से चक्का जाम पर बैठे हैं और खंडवा बड़ौदा मुख्य मार्ग को इन्होंने जाम कर दिया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। जैसा सुनील जी ने हमें बताया कि लगभग आधे घंटे से चक्का जाम किया जा रहा है, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी है, वहीं खाने जैसी सुविधा के लिए लोग चक्का जाम करे हुए हैं।